हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं किसी भी नंबर का पावर रिकर्जन की मदद से कैसे फाइंड करें उसका प्रोग्राम। अभी रिकर्जन की डेफिनेशन के अनुसार फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करे तो हम उसको रिकर्जन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो लेट्स से वो फंक्शन को हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, लेट्स से पावर। और रिकर्जन के इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हम पावर नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हमें उसके अंदर दो पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, लेट्स से इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई। और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो हम वन को रिटर्न करते हैं, अदरवाइज हम पावर नाम के फंक्शन को ही रिटर्न करते हैं, लेकिन उस वक्त हम पैरामीटर के तौर पे एक्स एंड वाई माइनस वन पास करते हैं। अभी यहाँ पे हम दोनों रिटर्न स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो हमें कुछ नंबर को रिटर्न करना है, यानी कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप के तौर पे हमें कोई नंबर ही लिखना पड़ेगा। तो लेट अस से रिटर्न टाइप के तौर पे हम यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर लिख देते हैं ताकि हमें कोई बड़े नंबर का पावर भी मिल सके। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमारा फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, और कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन के साथ साथ फंक्शन डिक्लेरेशन एज वेल एज फंक्शन कॉलिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से लॉन्ग इंटीजर पावर, और उसके अंदर दो इंटीजर पैरामीटर पास करते हैं, लेट से इंटीजर एंड इंटीजर। और इस फंक्शन को हम मेन के अंदर कॉल कर देते हैं, लेट से पावर, जिसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं, लेट से एक्स एंड वाई। और उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको स्टोर करने के लिए हम एक p नाम का वेरिएबल लेते हैं। फंक्शन कॉलिंग के ऊपर हम clr scr स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम get ch स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी कॉलिंग के अंदर जो हमने x और y नाम के वेरिएबल को यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को हम यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स से इंटीजर x एज वेल एज y, एज वेल एज रिजल्ट p नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है तो उसको भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि लॉन्ग इंटीजर p, क्योंकि पावर नाम के फंक्शन की रिटर्न टाइप लॉन्ग इंटीजर है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करवाने के लिए हमें लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल ही चाहिए। अभी यहाँ पे जो x और y है वो हम यूजर के पास से रीड करवा देते हैं, लेट अस से उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि एंटर अ नंबर, और उसके बाद एक स्कैन एफ स्टेटमेंट जिसके अंदर हम लिखते हैं कि पर्सन टेड डी एड्रेस ऑफ x। उसके बाद हम एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर अ पावर ऑफ अ नंबर, और उसके लिए भी एक स्कैन एफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ y। अभी फंक्शन कॉलिंग के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो p नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है तो उसको भी हम प्रिंट करवा देते हैं, लेट अस से पावर ऑफ परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज एल डी, जहां पे फर्स्ट परसेंटेज डी की वैल्यू हम x से, सेकेंड परसेंटेज डी की वैल्यू हम y से, और परसेंटेज एल डी की वैल्यू हम p से रिप्लेस करते हैं। अभी यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिक बन चुका है तो हम उसको टेस्ट करके देख लेते हैं, जिसके अंदर नंबर के तौर पे हम 7 इंसर्ट कर रहे हैं और पावर ऑफ नंबर के तौर पे हम 3 इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट के तौर पे पावर ऑफ 7:3 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, जो कि गलत है। अभी ये गलत आउटपुट क्यों मिल रहा है वो हम चेक करते हैं, तो उसके लिए हमें पावर फंक्शन के अंदर जाना पड़ेगा जहां पे हमने else पार्ट के अंदर रिटर्न पावर एक्स वाई माइनस वन लिखा है, उसको हमें x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही हमारा आउटपुट सही आएगा। तो लेट अस से हम फिर से एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, जहां पे नंबर के तौर पे मैं 7 और पावर ऑफ नंबर के तौर पे मैं 3 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें आउटपुट के तौर पे 343 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि 7:343 ही होता है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं जहां पे मैं नंबर के तौर पे 2 इंसर्ट कर रहा हूं और पावर ऑफ नंबर के तौर पे 10 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें आउटपुट के तौर पे 1024 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि 2:10 1024 ही होता है। एक और बार टेस्ट करते हैं जहां पे मैं नंबर के तौर पे 10 इंसर्ट कर रहा हूं और पावर ऑफ नंबर के तौर पे 0 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें आउटपुट के तौर पे 1 मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम
किसी भी नंबर का पावर रिकर्जन की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।